फन मनाली टू काजा की अमेजिंग रूट जर्नी दिखाने के बाद आज हम आपको लेकर चल रहे हैं काजा लोकल साइट सीइंग पे, जिसमें कि आज हम आपको दिखाने वाले हैं लांगजा, बहुत ही सुंदर बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री। और आप देखेंगे काजा स्पीति वैली को आप कैसे बहुत कम बजट में बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलते हैं फिर। एवरीथिंग दैट विल गेट यू मेसमराइज। स्पीति वैली मोस्ट चैलेंजिंग विद मोस्ट ब्यूटीफुल। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम काजा। जूली फ्रॉम काजा। तो हमने लोकल साइट सीइंग के लिए, इसका भी सारा प्रोसेस हमको बताएंगे, आगे चलते हैं। अभी थोड़ा टाइम लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, 10 बजने वाले हैं, थोड़ा सा लेट हो गया। तो आज क्या क्या कवर करने वाले हैं? ये जो नाइट को आप नहीं देख पा रहे थे वो, ये कितना ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ पे। चेयर, ये हमारा होम स्टे है, दिन का व्यू, चेयर लगे हुए हैं और चाय नाश्ते के साथ नज़ारे लेते हुए, कितना औसम है। अभी एक्चुअली टाइम नहीं है, तो बाकी फिर आके आपको और अच्छे से दिखाएंगे। और आज की मतलब क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, हम कहाँ जाए और हमने टैक्सी कैसे बुक किया है, आज का आइटनरी क्या क्या रहेगा, वो आपको हम दिखाते हैं। अभी 10 बज चुके हैं मॉर्निंग के और हम अभी निकल चुके हैं अपनी कार से। तो हमारा सबसे पहले जो स्पॉट होगा वो लांगजा है, तो चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे पार्किंग का क्या है, कोई एंट्री चार्ज है, हमें वहाँ पे क्या दिखेगा, उस प्लेस का क्या सिग्निफिकेंस है, आपको सारे बताएंगे। और ये भी चीज कि काजा से निकलने पे आपको कितना टाइम लगता है लांगजा पहुँचने में, ये भी पता चलेगा। सारे लोकल के अंदर आते हैं ना, सब आसपास। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि काजा लोकल प्लेसेस जो हमने टैक्सी बुक की वो हमने कैसे किया, या फिर अगर आप आते हैं तो आपको कैसे बुक करना चाहिए, नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, आप उसके अकॉर्डिंग कौन सी व्हीकल लेनी चाहिए, रोड कंडीशन कैसी है और शेयरिंग में कैसे ले सकते हैं, एंड यूनियन के क्या चार्जेस रहते हैं, कैसे बुक कर सकते हैं, कुछ डिटेल्स भी आगे आपको शेयर करूंगी। तो अब इसके लिए हम आगे देखते हैं, जर्नी को एंजॉय करते हैं। कुछ इस ब्लॉग में रहेगा, कुछ आने वाले ब्लॉग में भी रहेगा, बिकॉज बहुत सारी वीडियोज है काजा से रिलेटेड, स्पीति वैली से रिलेटेड। तो प्लीज हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मिस नहीं करें, सो दैट आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस नहीं करें। शिमला साइड से आना होगा ना विंटर टाइम, बिकॉज ये मनाली वाले तो बंद मनाली वाले तो बंद जून जुलाई में बस खुलता है। कौन सा मनाली वाले? जून जुलाई में मनाली। हमने अब माउंटेन्स पे देख सकते हैं क्लाउड्स का शेड आ रहा है, वो इतना अलग सा लग रहा है, आपको लगेगा कि वो क्या है, कलर ऐसा है, बट वो कलर नहीं है, एक्चुअली वो क्लाउड्स का शेडो है। इतना ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत है। वाओ, ये रूट अभी जो हम जा रहे हैं ये है लांगजा के लिए, काजा से निकल के, बहुत ही पीसफुल, बहुत ही आपको सारे व्यूज मिल जाएंगे, कहीं ग्रीन्स का व्यू मिल जाएगा, कभी ऐसे बैरन आप लैंड्स देख सकते हैं, नीचे रिवर, डेजर्ट माउंटेन, स्नो माउंटेन, सारे एक ही मतलब प्लेस पे आपको सारे व्यूज मिल रहे हैं। और ड्यूरिंग विंटर पूरा स्नो कवर्ड हो जाता है ये, तो विंटर में भी एक मस्ट विजिट प्लेस है, आप यहाँ के भी विंटर में भी इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। थोड़ा सा टफ है सच में, कुछ मेजर डिफरेंसेस है जो कि हम आगे अपने ब्लॉग में शेयर करेंगे, रेस्ट जो लैंडस्केप व्यू देखे तो ऑलमोस्ट सेम है। तो यूनियन के जो रेट्स होते हैं टैक्सी के वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी, जो अभी की रेट होगी, और अगर आपको अपडेटेड जब भी आप जाना चाह रहे हैं तो अपडेटेड रेट लिस्ट चाहिए तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में जो कुछ नंबर्स हैं आप उनसे बात कर सकते हैं, जो यूनियन के ड्राइवर्स होते हैं उनके नंबर है, या फिर जो बुकिंग करते हैं उनका भी नंबर है यूनियन के पर्सन का, तो आप उनसे बात करके ले सकते हैं। जो छोटी व्हीकल होती है जिसमें 4 पर्सन की कैपेसिटी होती है, उसकी अगर मैं बात करूँ टैक्सी की, तो वो अराउंड 3500 से 4000 का चार्ज ले सकते हैं, डिपेंड्स ऑन
ऑन सीजन आप कब जा रहे हैं। जो हमने लिया था ये एक पर्सनल व्हीकल थी, किसी का कोई टैक्सी नहीं थी, जो होम स्टे वाले पर्सन थे उन्हीं के थ्रू हमने ये लिया था। बिकॉज होता क्या है, ग्रुप में अगर जाएंगे तो शेयरिंग, हाँ शेयरिंग का जैसे मैंने आपको बताया था कि कैसे ले सकते हैं, तो उसके लिए है कि अगर आपके कोई को पैसेंजर है, अगर आप जब मनाली टू काजा या फिर शिमला टू काजा कहीं से भी ट्रैवल कर रहे हैं तो आप उनसे एक अच्छा बॉन्डिंग बना ले, अगर बात कर ले, अगर उनको लेना है शेयरिंग में तो आप क्या कर सकते हैं, 3 से 4 लोग मिलकर, अगर सोलो ट्रैवलर है तो एक टैक्सी हायर कर सकते हैं जिसमें कि आपको कॉस्ट कम पड़ जाएगा। 3500 को अगर आप डिवाइड कर दे 4 पर्सन में तो उतना कॉस्ट पर पर्सन पड़ेगा, जो कि काफी कम प्राइस है 1 डे के टूर के लिए। और नियर बाई काजा में जो प्लेसेस है अगर वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं उसके लिए भी बेस्ट है कि आप इस तरीके से घूम सकते हैं। और जो ग्रुप में पर्सन है उनके लिए तो बेस्ट है बिल्कुल, बिकॉज वो कम्प्लीटली अपना एक टेम्पो ट्रैवलर बुक कर सकते हैं जो कि यूनियन से आपको मिल जाएगी और आप एक्सप्लोर कर सकते हैं काजा स्पीति वैली जैसी खूबसूरत सी प्लेस को। ये जो क्या है भैया, यहाँ पे एग्रीकल्चर होता है और कुछ भी आलू वगैरह सामने देख रहे हैं नहीं। ये लांगजा हम पहुँचने वाले, जो आप देख रहे हैं बुद्धा स्टैचू भैया, गाय वगैरह भी है, कब होता है ना, देखो ये देखो शेप भाग रहे हैं। हे गुड मॉर्निंग, हम लोग पहुंच चुके हैं लांगजा, अभी इधर की रूट से सामने का जो रूट है यहाँ से आ रहे हैं। और जो चार्ज था, एंट्री चार्ज कह सकते हैं या फिर व्हीकल लाने का चार्ज आप बोल सकते हैं, 30 रुपीज पर पर्सन, तो वो आपको देना होगा। और हमारी व्हीकल ने हमें ड्रॉप किया और अब हम स्ट्रेट जाएंगे यहाँ से इधर के लिए। तो इस जगह की क्या इंपॉर्टेंस है वो हम पहले इस प्लेस पे जाते हैं। और सामने है बुद्धा स्टैचू, काफी स्पिरिचुअल प्लेस है और सबसे अच्छी चीज है यहाँ की ब्यूटी, ये इतना खूबसूरत। एक्चुअली इसमें जो मतलब मैं जो फील कर पा रही हूँ, ग्रीन लैंड नीचे आपको दिख रहा होगा, साथ में स्नो कैप माउंटेन्स जो कि अभी थोड़ा बहुत स्नो है, ज़्यादा स्नो नहीं है और ठंड काफ़ी है। अगर वेदर की बात करें तो अभी जून का मंथ चल रहा है और ठंड है, अभी जैसे हमने भी काफ़ी सारे जैकेट पहन लिए, ठंड काफ़ी है। तो अभी हम नीचे जाते हैं बुद्धा स्टैचू के पास, दर्शन करते हैं और इस प्लेस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ हम शेयर करते हैं, कुछ सिनेमेटिक शॉट्स लेते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर विंटर में आप प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पे -27 डिग्री टेम्परेचर हो जाती है, -27, कैन यू बिलीव यहाँ पे। और हाँ, होम स्टे के भी ऑप्शन काफ़ी हैं, जो आगे हम चलेंगे तो आपको दिखाएंगे। अभी पहले जाते हैं, दर्शन करते हैं बुद्धा जी के और वहाँ से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करते हैं। बहुत ही पीसफुल, बहुत ही सिनेमेटिक लुक देने वाला प्लेस है। हाँ। तो हम चलते हैं, अराउंड 1 मिनट की वॉकिंग है ज़्यादा नहीं। और अभी काफी पीक सीजन है तो हम इस रिलेटेड आपको बताएंगे कि अगर पीक सीजन में आते हैं क्या क्या आपको ध्यान रखने के लिए जरूरी है। चलते होम स्टे भी काफी सारे हैं, इधर भी रुक सकते हैं ना। और ज्यादा लोग स्टे यहाँ पे इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ से नाइट का जो व्यू आता है वो इसलिए मेन बट ये हाइट पे है ना, ये काजा से ज्यादा हाइट पे बहुत ही ठंड है जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। और एक्चुअली यहाँ क्या होता है, माउंटेन्स देखेंगे यहाँ के माउंटेन्स पे अवियाली लद्दाख में आपको जैसे धूप होगी तो ठंड नहीं लगेगी, बट जैसे ही शेड है, छाया है तो आपको बहुत ठंड लगने वाली है। तो सामने से पहले आपको व्यू दिखाते हैं। So we are at Langza Buddhist Temple, you can see our monastery with this statue. और सामने आप देख रहे हैं क्या, कितना ही peaceful से जो all round view है, that is totally mesmerizing. You can can't believe कि इतनी अच्छी और इतनी peaceful place में हम पहुँच चुके हैं। आपको भी यहाँ का tour देते हैं, let's have a look of all round view.
लांगजा विलेज जो कि काजा स्पीति रेंज में आता है, अराउंड 14,000 की हाइट पे सिचुएटेड बहुत ही खूबसूरत गांव है जो कि फॉसिल विलेज के नाम से भी जाना जाता है और मेनली फेमस है बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री, फॉसिल हंटिंग एंड अपने सीनिक व्यूज के लिए। तो चलिए घूमते हैं हम इस जगह को। तो इस प्लेस से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है वो इस वीडियो में हम आपको शेयर कर रहे हैं। और अभी ऐसी ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। बहुत ही खूबसूरत प्लेस है, अगर आप आते हैं काजा स्पीति हाँ तो ये फर्स्ट स्पॉट आज हमने कवर किया। आगे हम चाहते हैं दिखाते हैं आपको कौन सी प्लेस को एक्सप्लोर करते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर नेक्स्ट प्लेस। और नीचे में जैसा हमने आपको बताया था यहाँ बहुत सारे होम स्टे भी हैं। मेन पॉइंट है दैट इज कि अगर हम बात करें ऑल्टीट्यूड सिकनेस, तो जैसे आते ही मुझे नहीं लगा था, इनको मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा फील हुआ था, तो डेमोक्स हमने यूज किया। उसे 2-3 आवर्स रेस्ट करने के बाद यू फील बेटर। वाओ, अब देखिए अब आ गया। तो इस वीडियो में मैंने आपको एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दिया है कि आप अगर काजा स्पीति एक्सप्लोर करना चाहते हैं लोकल, तो आप कैसे टैक्सी पैकेज लेके एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट डिटेल वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए कि अगर स्पीति वैली काजा का प्लान कर रहे हैं तो आपको क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या क्या आपको सावधानियां लेनी चाहिए और यहाँ पे कौन सी प्लेसेस है इन एडिशन टू ये जो 6-7 प्लेसेस मैं आपको बता रही हूँ। और आने वाले ब्लॉग में हम आपको सारे प्लेसेस दिखाएंगे कि कौन सी प्लेसेस हमने कैसे एक्सप्लोर किया, मौसम कैसा था और क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये बहुत ही ज़रूरी है अगर आप काजा स्पीति वैली का प्लान कर रहे हैं या फिर मनाली के रूट से जा रहे हैं, तो वो भी हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो हमारे चैनल पे इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज आने वाली है। एक वीडियो में सब कुछ कवर करना नॉट पॉसिबल, इसलिए आपको प्लीज अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें सो दैट कि आप एक भी इन्फॉर्मेशन मिस नहीं करें। बिकॉज हम अपनी तरफ से सारे इन्फॉर्मेशन बहुत ही जेन्युइन, ऑनेस्ट और सबसे बड़ी कि हम अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और अभी करेंट वेदर कंडीशन भी हम आपको शेयर करते रहेंगे। तो अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी। तो मिलते हैं नई वीडियो में, नए व्लॉग में, नए इन्फॉर्मेशन के साथ, नए अपडेट के साथ। तो दिस इज प्रिया एंड यू आर वॉचिंग आवर चैनल लव बर्ड्स ट्रैवलॉग। स्टे हेल्दी, स्टे चीयरफुल एंड स्टे एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस विद अस। अब हम निकल पड़े हैं कॉमिक विलेज के लिए, जहाँ पे हम देखेंगे कॉमिक मोनेस्ट्री, एक बहुत ही ब्यूटीफुल मोनेस्ट्री है। तो हम अभी रूट में हैं और यहाँ पे स्पीति काजा में क्या है ना कि आपको जो डेस्टिनेशन है, स्पॉट्स है, वहाँ तो आपको अच्छा लगेगा बट उससे कहीं ज्यादा अच्छा आपके आपका जर्नी होगा, व्यूज जो आपको रास्ता दिखेंगे, मतलब ऑसम। और पता है लोग मेनली व्यूज के लिए आते हैं। एक जगह है उसमें वो जो फीमेल नहीं करते नहीं करते सो बाय बाय, मिलते हैं नए ब्लॉग में, नए प्लेस पे, न्यू एडवेंचर के साथ। अगली ब्लॉग में देखते हैं।